यूपी के हाथरस में हाथरस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पर कई घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की जमीन पर बिना अनुमति के शिक्षा विभाग को मिलने वाले राजस्व को पलीता लगाते हुए लाखों का खेल व्यवसाय की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर ज्ञापन और होर्डिंग बड़े बड़े लगा दिए गए हैं और टीमों को खरीद फरोख्त के नाम पर लाखों की डील चल रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब इसकी जांच कमेटी बैठाई तो उसमें भी कई दोष सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और हाथरस प्रीमियर लीग के नाम पर क्या कुछ घोटाले किए जा रहे हैं। टूर्नामेंट के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर्स के रूप में अपने अपने ज्ञापन लगाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल गेट व मैदान पूर्णतः ज्ञापनों से भरा पड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की नियमावली शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 की भाग संख्या 5 के बिंदु संख्या 15 एक घ में स्कूल मैदान केवल शिक्षा और केवल कौशल विकास के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसका बाहरी व्यक्ति व कोई भी संस्था किसी भी कार्य कौशल के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग नहीं कर सकती, ये पूर्णतः वर्जित है। वहीं दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक हाथरस से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधक व टूर्नामेंट संयोजकों द्वारा इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को कोई भी अनुमति नहीं दी गई है और इस तरह का यदि कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा जब होर्डिंग और पोस्टर सामने साफ नजर आ रहे हैं और ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि टूर्नामेंट हो रहा है तो अधिकारी इस बात को क्यों नकार रहे हैं कि इसमें कोई घोटाला सामने आ रहा है। क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है? अब ये तो जांच कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। हाथरस से नीरज चक्रपाणी, SKH न्यूज। हाथरस में स्कूल है दौलतराम बारासैनी इंटर कॉलेज, जहां पर IPL के नाम पर क्रिकेट कराया जा रहा है और पूरी तरीके से वो व्यवसायिक है। क्या उसके लिए आपके विभाग से कोई परमिशन ली आयोजकों ने या विद्यालय प्रशासन ने? जो कोई व्यवसाय करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई, केवल खेल है तो इसलिए वो खेल कराते हैं। वहाँ व्यवसाय के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई, यदि ऐसा हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी। वहाँ बड़े बड़े नामी रामी कंपनियों के होर्डिंग्स और हाथरस के उद्योगपतियों के विज्ञापन के होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो कि बिना पैसे के नहीं लगाए गए हैं। क्या जो पैसा इन्होंने ये इस तरीके से स्रोत से कमा रहे हैं, क्या विभाग इस पैसे की रिकवरी करेगा? हाँ, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। HPL टूर्नामेंट हो रहा है, क्या है ये पूरा? ये एक कॉन्सेप्ट है जो नई उम्र के बच्चे हैं जिनको गांव में रहते हैं, शहर में वो आ नहीं पाते हैं, तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को हमने इनवाइट किया था इसमें, तो वो आए और इसमें अपनी प्रतिभा का योगदान दें। उनका सिलेक्शन एक ट्रायल के द्वारा किया गया था जिसमें कि वो आए और उनका सिलेक्शन हुआ था। कितनी टीमें खेल रही हैं इसमें? 8 टीमें खेल रही हैं जिनके नाम हैं माँ चामुंडा सिटी और वासु टाइगर्स, प्रोटी क्लब हाथरस सिटी, MLDB डायमंड, रमनपुर रॉयल, लखन किशन लाइन्स और हाथरस नाइट राइडर और दीप सुपर जॉइंट। कितने दिवस का है ये टूर्नामेंट पूरा? ये लगभग 10 दिन का टूर्नामेंट रखा गया है जिसमें कि रियल दिन भी रखे गए हैं, कभी बारिश हो या किसी आपदा के कारण अगर मैच नहीं हो तो उसको आगे ले जाया। इनके लिए कोई पार्टिसिपेट फीस भी रखी हुई है? पार्टिसिपेट फीस में ये है कि जो भी टीम है उनको ओनर बनाया गया है और हर ओनर से 11,000 रुपए में उनको ओनरशिप दी गई है। विनिंग प्राइस क्या है इसका? विनिंग प्राइस 11,000 रुपए है, रनर प्राइस 11, विनिंग प्राइस 21,000 है और रनर प्राइस 11,000 रुपए है। दुबे जी, इसमें एक जो जिस स्कूल में आपका कार्यक्रम हो रहा है जिस ग्राउंड पे, वो एक शिक्षक संस्थान का ग्राउंड है, क्या इसके लिए आपके शिक्षा विभाग से कोई परमिशन ली हुई है? हाँ, परमिशन ली गई है, शिक्षा विभाग से भी परमिशन ली गई है और स्कूल प्रशासन से भी परमिशन ली गई है। इस कार्यक्रम के लिए अगला प्लान आपके लिए क्या है? इस कार्यक्रम के लिए अगला प्लान ये है कि जो नए बच्चे हैं जो मेरे ख्याल से कभी शहर में खेलने नहीं आए हैं, वो अपने गांव में ही खेलते रहते हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको नया कोच
और कुछ लोग जो यहाँ पे हैं, जो संस्थाएं हैं जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए रखती हैं, वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और हो सकता है कि कोई प्रतिभा हमारी यूपी लेवल या इंडिया लेवल तक भी चली जाए। इसमें हमने अंडर 60 के भी लड़के हर टीम में दो दो दिए और ये कंपनियों के जो आपके